दोस्तों सब्जियां ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप और मैं कोई भी जीवित नहीं रह सकता। सब्जियां आपके खाने की प्लेट में होनी ही चाहिए। आपको बेशक जंक फूड पसंद हो लेकिन एक टाइम के बाद आप उससे भी बोर हो जाते हैं और बहुत ज़रूरी होता है सब्जियां आपकी प्लेट में ज़रूर हो। और यही वजह है कि जब लॉकडाउन भी हुआ तो एसेंशियल्स में सब्जियां तो आनी ही थी, तो ये दुकानें कभी भी बंद नहीं हुई। और जो लोग दूसरा कारोबार करते थे उन्होंने भी ये सब्जियों का बिज़नेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि ये बिज़नेस तो बंद नहीं होगा और इस वक्त कोई और बिज़नेस चले ना चले लेकिन हाँ सब्जियों का बिज़नेस ज़रूर चलेगा। तो आज हम आपको सब्जियों के बिज़नेस के बारे में बताएंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और हाँ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे वीडियोज़ को लेकर। तो चलिए आज बात करते हैं कि किस तरह से सब्जियों का बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। सब्जी व्यवसाय शुरू करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप ये सोच लें कि आपको अपना व्यवसाय किस स्तर पर शुरू करना है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप सब्जी व्यवसाय को छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं। सब्जी व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरी योग्यता। ये एक ऐसा व्यवसाय है जो कोई भी कर सकता है, इसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। इस व्यवसाय का कम या ज्यादा शिक्षित होने से कोई मतलब नहीं है। चाहे आप कितने भी पढ़े हैं तब भी आप ये व्यवसाय कर सकते हैं। सब्जी व्यवसाय के लिए कुछ जरूरी कार्य। अपने व्यवसाय को शुरू कहाँ करना है, मतलब जगह सुनिश्चित करें। एक बार जगह चुन लें तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान दें। एक बार में सब्जियां कितनी खरीदनी चाहिए, एक दिन में अधिक से अधिक कितनी सब्जी बेची जा सकती है, कितने दिनों में कौन सी सब्जी खराब हो जाती है, कौन सी सब्जी किस जगह पर अधिक बेची जा सकती है, सब्जी के व्यापार में कितना मुनाफा किया जा सकता है। सब्जी बेचने के व्यवसाय में शामिल कार्यों में यह तय करना शामिल है कि उपज को कैसे बढ़ाएं। अपनी सब्जियों और फलों का उत्पादन खेत में कर सकते हैं या बगीचे के एक पैच पर या छत के स्थान पर भी छोटे से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप किसानों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगले कार्य में खेतों से ताजी सब्जियों को ले जाने के लिए यही ट्रांसपोर्टेशन में निवेश करना या उसकी व्यवस्था करना शामिल है, जबकि ये तय करना कि सब्जियां ताजी और बरकरार हैं ये भी जरूरी है। सब्जी व्यवसाय में लगने वाले सामान, हरी सब्जियां, तराजू सब्जी तोलने के लिए, सब्जी रखने के लिए टोकरी, पेपर बैग या पॉलिथीन बैग। सब्जी व्यवसाय की लागत, इस व्यवसाय में मुख्य खर्चा है दुकान का किराया और सब्जियों की खरीद में आने वाली लागत। सब्जियों का व्यापार शुरू करने के लिए 10,000 तक निवेश करना पड़ सकता है। ये पूरी तरह आप पर है कि आप कितना निवेश कर सकते हैं। आप शुरुआत में कम सब्जियां खरीदकर उन्हें बेच सकते हैं और फिर उससे हुई कमाई से नई सब्जियां खरीद सकते हैं। अगर आप सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहे हैं तो दुकान का किराया भी देना होगा। मुनाफा कितना होगा? सब्जी व्यवसाय में मुनाफा निश्चित नहीं होता है। इस व्यवसाय में कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी बिक्री हुई। जितनी ज्यादा बिक्री उतना ज्यादा मुनाफा। इस व्यवसाय में जितना जल्दी और जितनी ज्यादा बिक्री होगी उतनी आमदनी ज्यादा है। इस व्यवसाय के लिए जरूरी लाइसेंस। आज के समय में सभी व्यवसाय को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। यदि आप शुरुआत में अपने व्यवसाय और दुकान को रजिस्टर नहीं करना चाहते तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपका सब्जी का व्यापार बढ़ता जाएगा उसके बाद आपको अपने व्यापार का पंजीकरण कराना पड़ेगा। कुछ बातों का रखें खास ख्याल। सब्जी की दुकान खोलने से पहले आपको सब्जियों के बारे में जानकारी रखना चाहिए, जैसे सब्जियों की वैरायटी, उनके खराब होने का समय, सब्जियों का रंग, आकार की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि आपको ये जानकारी रहेगी तो आप आसानी से सब्जी बेच और खरीद पाएंगे। आपको सब्जियों की गुणवत्ता की पहचान होनी भी जरूरी है। आप देख परख कर ही सब्जी बेचें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सब्जी कब खराब हो सकती है। आज के समय में ग्राहक कुछ ना कुछ डिस्काउंट चाहता ही है, इसलिए आप अपनी सब्जी के साथ फ्री में थोड़ा सा धनिया या हरी मिर्च डाल दें, जिससे ग्राहक खुश होकर आपकी दुकान पर बार बार आए। शुरुआत में आप अपने ग्राहक बनाने के लिए थोड़ा सा कम लाभ कमाएं और जितना हो सकता है सस्ती सस्ती सब्जी बेचें। आपकी दुकान से ग्राहक संतुष्ट हो जाएंगे तो बार बार आपकी दुकान पर ही सब्जियां लेने आएंगे। आप शुरुआत में उतनी ही सब्जियां खरीदें जितने एक दिन में आप बेच सकें। ज्यादा सब्जियां लेने से खराब हो सकती हैं और आपका शुरुआत से ही नुकसान हो सकता है। तो देखा आपने किस तरह से सब्जियों का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं और आप अपनी लागत के हिसाब से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, मीडियम लेवल पर, सब आपको चीज़ें हमने इसमें मेंशन कर दी हैं। फिर भी कुछ छूट गया हो तो ज़रूर बताइएगा, हम आपकी क्वेरी का जवाब ज़रूर देंगे। और अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।